पब्लिक टीवी आपकी आवाज। योगी सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि अतीक अहमद जैसे माफिया अखिलेश यादव के पाले हुए थे। दरअसल वो मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर होने पर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये सब माफिया सपा बसपा में पाले गए और जो कार्रवाई चल रही है उससे साफ संदेश है कि गुंडा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने पहले ही कह दिया था कि इस तरह के माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जो आज कर दिखाया। निकाय चुनाव की उत्तर प्रदेश में घोषणा हो चुकी है और उसी के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन या प्रभावी मतदाता सम्मेलन के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उसी के निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में यानी ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। आज अतीक अहमद के बेटे का इसको लेकर क्या पहले निर्णय? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद सदन के अंदर कहा था कि ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, अपराधी कोई भी नहीं बचेगा और परिणाम आप लोगों के सामने है। सर, समाजवादी पार्टी और ओबीसी ने जो है बड़ा सवालिया निशान उठाया है। जब भी किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो निश्चित स्वाभाविक है वो सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये सारे अपराधी उन्हीं के द्वारा पैदा किए हुए हैं। ऐसे अपराधी जिन्होंने अपराध किया है, उत्तर प्रदेश की जनता का मन चैन छीना है, लोगों की ज़मीनों पर मकानों पर कब्जे किए हैं, अकीद अनंत के साथ साथ ऐसे सभी लोगों को डर सताने लगा होगा। पब्लिक से डिमांड आ रही है कि भाई उसको भी उसकी बेटी की तरह ही सजा दी जाए। अब समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, अब उनको कानून ने सजा दे दी। आपकी तरफ से दूसरा में क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार यानी निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। ये प्रबुद्ध सम्मेलन है, ये प्रभावी मतदाता सम्मेलन है, समाज के मुख्य मुख्य लोगों को बुलाया गया था। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।